कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, केजरीवाल की होने लगी तारीफ। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलने वाली फ्री बिजली की सुविधा मार्च 2025 तक जारी रहेगी। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर अफसरों पर दिल्ली की मुफ्त बिजली सब्सिडी योजना रोकने का आरोप लगाया है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवाज पर इसे लेकर एक कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें बिजली सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए पास कर दिया गया। मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी 24 घंटे बिजली, जीरो पावर कट और फ्री बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें वकील भाइयों के चैम्बर की भी फ्री बिजली शामिल है। बिजली सब्सिडी को लेकर कई लोगों के मन में संशय था, अगले साल मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने तो इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके बेटे ने ये काम करवा ही लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली केवल दिल्ली और पंजाब में मिलती है, बाकी पूरे देश में लंबे लंबे पावर कट लगते हैं और हजारों रुपए के बिजली बिल भरने पड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। कैबिनेट मीटिंग के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, दिल्ली में 24 घंटे और फ्री बिजली देना अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा वादा है, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 9 साल से पूरा कर रही है। दिल्ली एक लौता राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है और 22 लाख लोगों का बिजली का बिल जीरो भी आता है। अरविंद केजरीवाल सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसे विरोधी रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। जब भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे विरोधी हर संभव प्रयास करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का काम रुक जाए। आगे आतिशी ने कहा कि पिछले साल भी विरोधियों द्वारा बिजली सब्सिडी को रोकने की कोशिश की गई थी। एक समय तो ऐसा भी आया था जब घोषणा करनी पड़ी थी कि आज के बाद जीरो बिजली का बिल समाप्त हो जाएगा। इस साल भी पिछले एक महीने से विरोधियों ने हर संभव प्रयास किया कि आने वाले साल 2024-25 के लिए दिल्ली वालों का बिजली का बिल जीरो ना आए और केजरीवाल सरकार की सब्सिडी योजना रुक जाए। आतिशी ने कहा, विरोधी ने अफसर को बुलाया और उन्हें धमकाया कि दिल्ली वालों के जीरो बिजली के बिल रुक जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली वालों से वादा कर देते हैं तो फिर कितनी ही चुनौतियां आ जाए उसे पूरा जरूर करते हैं। आज केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली वालों को फ्री बिजली के बिल और बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। मुफ्त बिजली सब्सिडी योजना साल 2024-25 में भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।